हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ पॉलिटिकल साइंस एसएसटी का चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर नंबर 4, इसके एमसीक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा। लोकसभा में टोटल कितने नंबर मेंबर इलेक्टेड होते हैं हर 5 साल बाद। ऑप्शन ए 541, बी 542, सी 543, डी 545। तो इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के होते हैं 543, जो पहले 545 होते थे जिसमें दो एंग्लो इंडियन थे, अब इन्होंने 543 कर दिया, एंग्लो इंडियन मेंबर को हटा दिया। क्वेश्चन 2 एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द राज्यसभा। नीचे लिखो में से कौन सी स्टेटमेंट राज्यसभा की फाइनेंशियल पावर को लेकर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल बाय 14 डेज। क्या राज्यसभा 14 दिन तक मनी बिल को डिले कर सकता है। सेकंड, राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल। क्या राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है। राज्यसभा कैन सजेस्ट चेंजेस। क्या राज्यसभा चेंजेस कर सकता है या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो फाइनेंशियल पावर को लेकर, वित्तीय शक्ति को लेकर राज्यसभा की जो चीज करेक्ट नहीं है वो है राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल, कि राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, ये ठीक नहीं है। उसे मनी बिल को भी देखना पड़ता है, उसकी रीडिंग करनी पड़ती है। एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ पार्लियामेंट। नीचे लिखो में से कौन सी पार्लियामेंट की पावर नहीं है। कैन मेक न्यू लॉज, क्या नए कानून बनाती है। कैन चेंज एक्सिस्टिंग लॉज, क्या पहले के कानूनों में चेंज करती है। कैन अबॉलिश एक्सिस्टिंग लॉज, क्या पुराने कानूनों को खत्म करती है। कैन इम्प्लीमेंट लॉज, क्या लॉज लागू करती है। तो ये पार्लियामेंट की पावर नहीं है, डी कैन इम्प्लीमेंट लॉज, बाकी तीनों काम करती है। क्वेश्चन 4, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। नीचे लिखो में से कौन सा जिम्मेदार है जो मिनिस्टर के डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लागू कर सकता है। सिविल सर्वेंट्स, सरकारी नौकर, सरकारी काम करने वाले लोग, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी, MPs और MLAs। तो मिनिस्टर्स के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का काम, ये स्टेप्स लेने का काम सिविल सर्वेंट्स करते हैं, जो बड़े बड़े सरकारी अफसर होते हैं। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन सपोर्ट इज नेसेसरी फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिमेन इन ऑफिस। नीचे लिखो में से कौन सा इंस्टीट्यूशन नेसेसरी सपोर्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि वो ऑफिस में रह सकते हैं। राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा या गवर्नर। तो ये काम लोकसभा है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑफिस में रहने के लिए सपोर्ट करता है। एमसीक्यू, विच इंस्टीट्यूशन कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे लिखो में से कौन सा इंस्टीट्यूशन हमारे संविधान में संशोधन कर सकता है, चेंज कर सकता है। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, बी लोकसभा, सी स्टेट लेजिस्लेचर, डी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का काम पार्लियामेंट का होता है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नीचे लिखो में से कौन सा इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इन इंडिया में पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। ए लोकसभा है, राज्यसभा भी है, प्रेसिडेंट भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन 8, हु एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका रक्षक कौन है। प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट ये भी नहीं, जुडिशरी ये है, हमारी अदालत, हमारे कोर्ट्स, जुडिशरी जो है वो गार्डियन का काम करती है, हमारे भारत के नागरिकों की फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा देती है, उन्हें बचाती है, किसी कोई भी राइट का उल्लंघन हो तो उसे बचाया जा सकता है, उसे सेव किया जा सकता है। ये काम आर्टिकल 32 के अंडर होता है और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होगा, तो जुडिशरी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट।
सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है? अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव की नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट कहते हैं. क्वेश्चन फोर, नेम थ्री टाइप्स ऑफ मिनिस्टर. हमारे देश में तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं. फर्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जो अपना स्वतंत्र काम करते हैं, और थर्ड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर. ये वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करते हैं. क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज जुडिशरी, जुडिशरी क्या है? डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट इन इंडिया. इंडिया में पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन और पावर्स बतानी है. कॉम्पोजिशन में लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस होते हैं, और पार्लियामेंट की पावर्स हैं लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन. सारे डिस्कशन पार्लियामेंट में ही होते हैं. क्वेश्चन सेवन, डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शन एंड पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. भारत के प्रधानमंत्री की पावर्स, फंक्शन और पोजीशन बतानी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन एट, कंपेयर द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स. मिनिस्टर हमारे जो नेता हैं, सिविल सर्वेंट्स जो हमारे सरकारी अफसर होते हैं, इन दोनों में पावर्स और पोजीशन को लेकर क्या फर्क है? एक तो मिनिस्टर अपनी जो फिक्स टर्म होती है 5 years, तब तक ही अपने ऑफिस में रह सकते हैं. अगर नेक्स्ट इलेक्शन में विनिंग होगी तो आएंगे, नहीं तो इन्हें हटना पड़ता है. लेकिन सिविल सर्वेंट्स जब तक रिटायरमेंट नहीं होती अपनी पोस्ट पर ये बने रहते हैं. ये टेम्परेरी परमानेंट होते हैं सिविल सर्वेंट्स, मिनिस्टर टेम्परेरी होते हैं. क्वेश्चन नाइन, डिस्क्राइब द इलेक्शन पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उसकी पावर्स और पोजीशन क्या है. और क्वेश्चन टेन, डिस्क्राइब द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बताना है कि कैसे वो न्याय देता है. व्हाई इज इट कंसिडर्ड मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड. बताओ वर्ल्ड में सुप्रीम कोर्ट हमारी इंडिया का सबसे पावरफुल क्यों माना जाता है. 11, कंपेयर द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा की पावर को कंपेयर करो. वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन 12, इन अ डेमोक्रेसी, बताओ हमारे भारत लोकतंत्र में व्हाई इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मोर पावरफुल देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव दैट इज सिविल सर्वेंट, सरकारी अफसर. कहते हैं ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, हमारे नेता हैं, ये ज्यादा पावरफुल क्यों होते हैं सिविल सर्वेंट से? इसका रीजन यही है कि इनके पास देश की सत्ता होती है, देश की पावर होती है, ये सरकार के वर्कर होते हैं, सरकार के अंडर काम करते हैं. लेकिन ये जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, ये पावरफुल तब तक रहते हैं जब तक इनका कार्यकाल, इनका पीरियड जो वो तब तक खत्म ना हो जाए 5 years का. अगर ये दोबारा विनिंग करते हैं तो ये पावर में आएंगे. लेकिन सिविल सर्वेंट्स इनकी दया पर ही काम कर सकते हैं, लेकिन ये अगर अच्छे से काम करते हैं तो इन्हें अपने रिटायरमेंट तक ये परमानेंटली काम करते रहते हैं. क्वेश्चन 13, ब्रीफली डिस्क्राइब द इवेंट्स लीडिंग टू रिजर्वेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC. सोशली, सामाजिक और शैक्षिक तरीके से जो पिछड़ी क्लास के लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, ये NCERT में दिया हुआ है. अब वहां से इसे पढ़ी है, मंडल कमीशन बना था, उन्होंने 27% रिजर्वेशन की बात की थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, OBC के लिए. क्वेश्चन 14, व्हाई डू वी नीड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चैप्टर का नाम ये, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है. सबसे पहले हमारे जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारे नेता आते हैं, हमारा पार्लियामेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, MLAs, ये सब आते हैं. इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहले ये टैक्सेस वगैरह इकट्ठे करते हैं, देश का डिफेंस सुरक्षा का जिम्मेदारी यहीं पर होती है. एडमिनिस्ट्रेशन, देश का प्रशासन संभालते हैं. मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, देश में कानून व्यवस्था बनाकर रखते हैं. डेवलपमेंटल प्रोग्राम, देश के विकास के प्रोग्राम बनाते हैं. डिसीजन मेकिंग, देश के बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं.
एजुकेशन देश में एजुकेशन का काम, हेल्थ का काम, हॉस्पिटल का काम, स्कूलों का काम, कॉलेजेस का काम, ये सब करते हैं। एंड फॉरेन रिलेशन और विदेशों से मित्रता पूर्वक संबंध बनाने का काम हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही करते हैं, इसीलिए हमें इनकी जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ पॉलिटिकल साइंस वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। आप इन्हें एनसीईआरटी पर फोकस रखिए, ये आपको सारे आंसर्स एनसीईआरटी में मिलेंगे। आप आराम से एमसीक्यू पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर्स को अपनी कॉपी पे पूरे इनके आंसर्स फ्रेम करके लिखिए और इन्हें रिवाइज कीजिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए, आपको अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।